अब हम देखते हैं कि कुछ एथलीट्स जो होते हैं वो फोस्फोक्रिएटिन लेते हैं। वो किस लिए लेते हैं? ताकि जो स्पेसिफिक टाइम है उसमें उनकी वो रेस जो है वो कंप्लीट हो जाए, ज़्यादा एनर्जी मिले उन्हें उस रेस को कंप्लीट करने में, एग्जॉशन ना हो जल्दी जल्दी, फील जो वीक है वो फील ना करें वीकनेस अपनी। तो जो फॉस्फोक्रिएटिन है वो क्या है? वो एक तरह का एनर्जी सोर्स है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है थ्रू फॉस्फेजन सिस्टम। तो जो हमारा फॉस्फेजन सिस्टम है ना, वो हमारी जो सेल की एटीपी है एंड हमारा फॉस्फोक्रिएटिन है, दोनों को यूज़ करता है एंड दोनों को यूज़ करके ये हमें जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो 8 से 10 सेकेंड की एनर्जी होती है, ठीक है, जो कि इनफ होती है 100 मीटर रन के लिए। इसलिए जो है, जो हम फॉस्फोक्रिएटिन है वो एथलीट्स यूज़ करते हैं शॉर्ट बर्स्ट या फिर डैश रेस के लिए, कि मतलब कम टाइम में ज़्यादा एनर्जी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड ये जो फॉस्फोक्रिएटिन है, एक और चीज़ की, ये जो फॉस्फोक्रिएटिन है ना, वो बाहर के देशों में इंट्रावेनसली यूज़ किया जाता है फॉर कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, सीवियस प्रॉब्लम्स। एंड ये जो बाहर है किसके नाम से बेचा जाता है? न्यूटन, जो कि कुछ प्रोफेशनल एथलीट्स भी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये कंट्रोल सब्सटेंस नहीं है, इसलिए ये प्रोफेशनल एथलीट्स भी यूज़ करते हैं रेस के दौरान, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू एंजॉयड इट, होप इट इज़ हेल्पफुल, थैंक यू।